मोहन यादव की बात को सुनिए, जो बात अभी आपने सुनवाई। उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक दल की बैठक में बैठा था, पीछे की पंक्ति में बैठा था, अपना काम कर रहा था और मेरा नाम ले लिया गया। ये एक बात हुई रोमाना दी की। दूसरी बात यह कि हमने पहले एबीपी न्यूज, जब से चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, तब से हमने ये बात कहना शुरू की भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। रणनीति अगले 15 साल के लिए लीडरशिप को डेवलप करना और दूसरी पंक्ति के नेताओं को पहली पंक्ति में लाना, और ये सीधे तौर पर आज जो मध्य प्रदेश में हुआ ये उसी की वानगी है और ये शुरुआत हो चुकी है। अब ये राजस्थान से होते हुए आगे की तरफ ये स्थिति बढ़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने लीडरशिप को, प्रदेश नेतृत्व को आगे के लिए खड़ा कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो आपने भी पूछा है और राजेश बादल साहब से मैं पूछूंगा कि जो बड़े चेहरे, जिन चाहे प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, आखिरकार अब इनका क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, इनकी नई भूमिका क्या होगी? बादल साहब, देखिए ये तो हम जानते थे कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी का चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल भरा था, तो ऐसी सूरत में उसने सारे घोड़े खोल दिए थे, यानी सारे केंद्रीय नेताओं को, सांसदों को, सबको ले आए थे। अब ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी तौर पर इन सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को संगठन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र से तो छुट्टी हो गई। शिवराज सिंह चौहान की अगली भूमिका क्या होगी, ये बड़ी बात है। रोमाना, मैं आपका ध्यान एक और चेहरे की तरफ ले जाना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। जब उनको हटाया गया, पुष्कर सिंह धामी वहां पर मुख्यमंत्री बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, लेकिन उसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव नहीं उनको लड़वाया गया और उनके पास अभी कोई दायित्व नहीं है पार्टी का, ना प्रदेश स्तर पे ना राष्ट्रीय स्तर पे। तो खैर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि शिवराज सिंह चौहान के साथ भी यही होगा, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी है, नई लीडरशिप को आगे करना और किसी लीडरशिप को ढोना, जबरदस्ती ढोना, किसी बैगेज को लेकर चलना, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लोग कभी नहीं चाहता, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी नहीं चाहता। यही वजह है कि मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, दोनों प्रदेशों में जिस तरह का फैसला, नेतृत्व परिवर्तन का बड़ा फैसला, और रोमाना ये पॉलिटिकल विल ऐसा फैसला लेने के लिए चाहिए। आप देखिए, एक तरफ इतने बड़े बड़े नाम थे, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े नाम, सबको दरकिनार करके एक अननाम, गुमनाम चेहरा सामने आता और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। ये भविष्य की भारतीय जनता पार्टी की झलक है और मैसेज है कि यहाँ पर कार्यकर्ता की पूछ है। जी रोमाना, बिल्कुल, आपने देखिए उत्तराखंड का जिक्र किया और मैं यहाँ पर दर्शकों को गुजरात का भी ध्यान करवा दूं, किस तरीके से वहां पर भूपेंद्र पटेल, उनको नेतृत्व सौंपा गया, और विजय रूपाणी, जिस तरीके से आप अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र कर रहे थे, इसी रूप में विजय रूपाणी जो हैं, उनको भी चुनाव नहीं लड़वाया गया था। लेकिन यहां पर स्थिति जो है वो थोड़ी इस रूप में अलग है कि विधानसभा चुनाव हुआ है और शिवराज सिंह चौहान जो है वो बुधनी से जीत कर आए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका है वो उस रूप में क्या सिर्फ एक विधायक के तौर पर यहां पर सीमित होगी, या फिर संगठन और पार्टी के भीतर अब यहां से कोई और बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान को दी जा सकती है 24 के मद्देनजर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।